हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कमर्स किचन। टुडे आई मेक मिनी चीज़ केक, नो बेक मिनी चीज़ केक। तो उसके ये इंग्रेडिएंट्स जो आपको सामने रखे हुए हैं, ये है 1 पैकेट व्हिप्ड क्रीम है, आइसिंग शुगर मैं 2 टू 3 टेबल स्पून ऑफ आइसिंग शुगर यूज़ करूँगी, इसके अलावा 2 टू 3 टेबल स्पून ऑफ बटर यूज़ करूँगी। और ये 2 टब हैं ये क्रीम चीज़ के, और ये फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ का 1 टब है, तो इसमें से मैं थोड़ी सी यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये मैं जो है, आप स्ट्रॉबेरीज भी यूज़ कर सकते हैं, चेरीज यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आज पाइनएप्पल्स इसके ऊपर के यूज़ करूँगी। मिनी चीज़ केक्स का ये टिन है मेरे पास, तो इसी में मैं इसमें डालूँगी। आप रेमेकिंस में भी बना सकते हैं। और ये 4 टू 5 मारी बिस्किट्स हैं, इसको मैं अभी चूरा करूँगी। तो ये सारे ये क्रिसमस स्पेशल एपिसोड है, एपिसोड 1। आज मैं क्रिसमस की एपिसोड्स आगे आएंगी मेरी भी, तो ये एपिसोड 1 मैं क्रिसमस स्पेशल तो करूँगी। तो मैं आज नो बेक मिनी चीज़ केक, पाइन एप्पल चीज़ केक बनाऊँगी। तो इसके अलावा वनीला एसेंस है, 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस मैं इसमें डालूँगी। वो मैं आपको जब फिलिंग तैयार करूँगी तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। दिस इज़ ऑल द इन्ग्रीडियंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बिस्कुटों को चूरा करके, ग्राइंड करके, और इसमें 3 टू 4 टेबल स्पून ऑफ बटर डाल के, और फिर मैं इसमें इसमें बेस लगाऊंगी। तो बेस कैसे लगाऊंगी वो मैं ये आपको ग्राइंड दिखाऊंगी। हो रहे हैं। करने लगी हूँ ये बिल्कुल, इसको बिल्कुल चूरा चूरा कर लेना है। इनको छोटे छोटे पीसेस में डाल लिया था, और फिर मैं इसमें मेल्टेड बटर डालूंगी, और फिर इसकी बेस मैं तैयार कर लूंगी, बेस जो है, और फिर उसके बाद मैं क्रीम चीज फिलिंग बनाऊंगी। ये चूरा चूरा हो गए बिस्कुट, ये मैश हो गए। तो अब मैं इसमें ये 3 टेबल स्पून ऑफ ये बटर था, तो मैं अब इसमें ये डाल के, और मैं फिर आपको बताती हूँ। ये अब इसमें जो है, ये आप चाहें तो शुगर ऐड कर लें, लेकिन ये काफ़ी होते हैं। तो ये देखें, ये अब मैंने जो है सारा जो बटर है वो कर लिया है मैंने इसको, और फिर मैं इसमें ये लगाऊं, मिक्स कर लें वेल, मिक्स एट 2 टू 3 टेबल स्पून ऑफ बटर एंड वेल मिक्स। ये देखें, ये मिक्स हो गया। ये अब मैंने इसमें बिस्कुटों को, ये चीज़ केक, ये चीज़ केक का है मोल्ड, तो इसमें मैंने जो है ये लगा के रख दिया। और तो अब मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ इसको 1/2 आवर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। इसको दबाया, चमचे से दबाया है इसको, इस तरह करके दबा के, और मैं इसको अब फ्रिज में रखने लगी हूँ। और फिर मैं ये फिलिंग बनाऊँगी इसमें, क्रीम चीज़ के 2 पैकेट, 2 टैब, और वनीला एसेंस, और 1/2 कप मैं विप्ड क्रीम, 2 कप्स विप्ड क्रीम के साथ मैं इसको करूँगी। अच्छा, मैं अब ये मैंने पाइनएप्पल टिन लिया है, पाइनएप्पल को छोटा छोटा काट के और इसके सिरप के साथ डाल दिया है। और फिर मैं इसमें ये जो है आइसिंग शुगर डालूँगी, 3 टेबल स्पून ऑफ आइसिंग शुगर, और 2 लेमन जूस अभी डाल के मैं इसका ये सिरप सा बनाती हूँ। और फिर वो जो है मैंने कल चीज़ केक जो है वो अभी फ्रिज में है पड़ा हुआ, तो मैं फिर उसको सर्विंग करके आपको दिखाऊंगी। ये मैं अभी पाइनएप्पल सिरप, ये ग्लेस, पाइनएप्पल ग्लेस सा बना रही हूँ, फिर पाइनएप्पल से सजा के, और फिर मैं आपको तस्वीरों में और वो ऐसे मैं दिखाऊंगी। तो ये 2 लेमन जूस इसमें डालने हैं, और ये सब ये मैंने अब चूल्हे पर रख लिया है, इसका ग्लेस मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने आइसिंग शुगर 2 3 टेबल स्पून डाली थी, और लेमन जूस भी डाल दिया। तो ये अब ग्लेस सा बन रहा है, तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगी। ये कैरमल सा बन जाएगा, आइसिंग शुगर मैंने डाली है, और ये, और फिर पाइनएप्पल चीज केक मैं बना रही हूँ। ये भी गाढ़ा होता है, तो मैं ये बन जाता है तो फिर मैं तो आपको बताऊंगी। ये मैं 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर और क्रीम चीज़
और इसको थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस डाला है, तो आप लेमन एसेंस या कोई भी एसेंस भी डाल सकते हैं। तो मैं अब इसको बीट कर रही हूँ, बीट करके फिर मैं ये जो है इनको ये मैं विक कर रही हूँ, विप कर रही हूँ, और फिर मैं इसको उस क्रीम चीज़ के डालूंगा। जब तक विप करना है सॉफ्ट पीस नहीं बन जाती इसकी। अच्छा, ये मैं क्रीम चीज़, आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस को बीट कर रही हूँ, और फिर इसमें मैं विप क्रीम भी शामिल करूँगी। ये मैंने 1 टब क्रीम चीज़ शामिल की है और 3 टेबलस्पून ऑफ आइसिंग शुगर शामिल की है, और मैं इसको बीट करूँगी, और फिर ये विप क्रीम विप कर ली थी वो मैं डाल के, और फिर मैं आपको चीज़ केक पे लगा के इसकी फिलिंग मैं दिखाऊंगी। मैंने रात को रख दिया था, तो ये अभी सुबह तक ये बिल्कुल अब तैयार है। इसको ये कोनों से साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ये अब हो चुके हैं। तो मैं अभी पाइनएप्पल्स रख के, और फिर पाइनएप्पल चीज़ केक के साथ ये मैं फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये अभी हो गया है, मैं ओवरनाइट मैंने इसे रखा है, और 2 रेमेकिन्स में भी अभी मैं आपको दिखा दूंगी। रोज़ 2 सर्विंग के टाइम पे 2 रेमेकिन्स में भी रखे थे, और ये चीज़ केक टिन, ये इसका डब्बा था, ये है, ये चीज़ केक मिनी चीज़ केक पैन है, ये इसका डब्बा है। ये बहुत पहले मैंने कराची से मंगवाया था ये। इसमें आप अंडों के साथ भी चीज़ केक बना सकते हैं, और वैसे भी कोई भी डेकोरेशन चेरी वगैरह के साथ कर सकते हैं। ये मैंने बना लिया था, ये देखें बिल्कुल अब ये जम गया है। ओवरनाइट मैंने इसको रखा था, अभी मैं फिर इसको दोबारा फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ ये पाइनएप्पल ग्लेज के साथ। ये देखें अभी रेमेकिन्स के साथ रखे हैं, और ये ग्लेज भी तैयार हो गया था इसके साथ पाइनएप्पल सिरप के साथ। तो ये देखें मैंने अब निकाल के रख ली है, और पाइनएप्पल चंक्स या चेरीज या किसी के साथ आप सर्व करें। मैंने 1-1 आइसक्रीम स्कूप जो होता है उससे मैंने ये भी डाल के और फिर फ्रीज करने ओवरनाइट रख दिया था, और ये देखें अब बिल्कुल तैयार हो गया है। शेयर माई रेसिपीज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, प्रेस द बेल आइकन, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, एंड फॉलो द इंस्टाग्राम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखें मैंने 1 1 स्कूप इसमें डाल के और फिर फ्रीज़ किया था।